मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका इस स्तुति आराधना और प्रशंसा में प्रभु की महिमा के लिए जो हम इस समय इन गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस समय हम अपने आप को तैयार करें, कुछ पल यीशु के संग हम बिताएं। आइए इस समय प्रभु के आत्मा से हम भर जाएं, प्रभु के अभिषेक से हम भर जाएं। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपकी स्तुति आपकी आराधना करने के लिए जा रहा हूं, प्रभु मेरी जीभ मेरे गले मेरी आवाज में अभिषेक दीजिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें इस समय कि प्रभु आइए हमें आत्मा से भरकर आपकी स्तुति करने की कृपा दीजिए। आइए इस समय हम तालियों बजाते हुए और ऊंची आवाज में, हमारी आवाज प्रभु को पसंद आए उस बुलंद आवाज में हम प्रभु की महिमा करें। आइए हम ताली बजाते हुए गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने
के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया की आज दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन मुझको कुछ भी। तुझसे मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझसे मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। सुने तेरी और मेरी दुआ को सुन लिया है भाई, इस समय प्रभु की स्तुति करें। तेरे जैसा ना कोई मिला, प्रभु के जैसा कोई नहीं है सारा जहां। तेरे जैसा ना कोई मिला, लगातार कहते जाए। ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। एक बार ढूंढा ये सारा जहां, लगातार जैसे तूने किया रक्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं मिला, हमारे पापों का बोझ चुकाया। मेरे भाई उस प्रभु से कहे, तेरे जैसा कोई नहीं है जैसे तू प्यार करता है, जैसे तू क्षमा करता है। एक बार और कहे, तेरे जैसा ना कोई मिला, लगातार तेरे जैसा ना कोई मिला। दोनों आंखें बंद करते हुए हालेलुया 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 स्तुति करें। हालेलुया 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 स्तुति स्तुति करें। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा कौन है जो हमारे लिए अपनी जान दे? ऐसा कौन है जो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले ले? ऐसा कौन है जिसने हमें क्षमा किया, जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमें मुक्ति दी? वो नाम है ईसा मसीह, मेरा प्रभु, मेरा यीशु, जिसने अपने लहू की कीमत पर हमें खरीदा, हमें माफ किया, हमें प्यार करना सिखाया। इस दुनिया में उसके सिवा कोई नहीं है। हम चाहे कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, यीशु जैसा नहीं मिल सकता। स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस समय हम उस आत्मा का स्वागत करते जाएं। पवित्र आत्मा को अपने बीच में आमंत्रित करें। पवित्र आत्मा, यीशु के आत्मा, पिता के आत्मा, आइए मुझ पर अधिकार कीजिए, मुझ पर कब्जा कीजिए, मुझ पर नियंत्रण लीजिए, मुझे अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से भर दीजिए। पवित्र आत्मा मुझे योग्य बनाइए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए मुझे योग्य और लायक बनाइए। खुदा बंदिया पाखरु, खुदा बंदिया कहे पाखरु, खुदा बंदिया खुदा बंदिया
पातुरु खुदा बंदिया, पातुरु खुदा बंदिया। आत्मा की शक्ति से, अभिषेक से मुझे भर दीजिए।
hallelujah, 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 स्तुति करते जाएं, hallelujah, 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 hallelujah. दोनों आंखें बंद रखें इस समय, हम उस महान प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें जो प्रभु हमारे बीच में है, जिसका वादा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी रहस्य में बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्रभु का वादा वचन कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे और मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। इस समय प्रभु की दुहाई हमने दी है, प्रभु ने हमारी सुन ली है, वो हमारे मनों को हमारे हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है, उसकी हम स्तुति करें, मन ही मन प्रभु का धन्यवाद दें। इस समय हम प्रभु का वचन सुने, प्रभु का वचन इसाईस नबी का ग्रंथ अध्याय 53 में लिखा हुआ है कि उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हुए हैं, उसके कोड़े खाने के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। ऐसा कौन है जो हमारे पापों के लिए अपनी जान दे? मेरे भाई, वो यीशु है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा खुदा है, जिसने मेरे भाई आपके और मेरे लिए आपके अपने परम पवित्र कीमती लहू के द्वारा हमें छुड़ाया, हमें बचाया। हम इस पूरी दुनिया में घूमते हैं, फिरते हैं, ढूंढते हैं, हमें कहाँ चंगाई मिलेगी, हमें कहाँ से आशीष मिलेगी, हमारी कौन मदद करेगा, हमारी कौन सहायता करेगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसके घावों के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, उसके लहू के द्वारा हमें मुक्ति मिली है, हमारी रिहाई हुई है। प्रभु ने मेरे भाई और बहन आपको और मुझे अपनी लहू की कीमत पर खरीदा है। हमारे शरीर, हमारे मन, आत्मा, हमारे प्राण, हमारे जीवन पर किसी और का नहीं बल्कि उस प्रभु का अधिकार है। उसने नबी इसाईस के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उसकी आकृति इतनी विरूपित कर दी गई कि वे मनुष्य नहीं जान पड़ता था। मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, जो दंड, जो पाप का दंड हमें मिलना था, उस यीशु ने बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ, बड़े सहनशीलता के साथ अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर अनगिनत कोड़े खाए, अपने ऊपर उसने बड़ी नम्रता से थुकवाया, उसके घावों को इस तरह से दबोचा गया कि उनसे लहू बहना बहता था। मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसा कौन है, प्रभु का वचन कहता है, जो अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे? यीशु ने हमें मित्र कहा है, हमें गुलाम नहीं बल्कि उसने हमें मित्र कहा है, और अपनी मित्रता उसने इस तरह से निभाई कि उसने आपके और मेरे लिए जान दी। ऐसा कौन है मेरे भाई और बहन? आज हम संसार में मित्रता करते हैं, संसारिक बातों में ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु हमें नहीं मिलता, हमें शांति नहीं मिलती, हमें खुशियां नहीं मिलती, हमें आनंद नहीं मिलता। जो आनंद उस प्रभु ने हमें दिया, वो आनंद हमें संसार में नहीं मिल सकता। प्रभु ने अपनी लहू की कीमत पर हमारा उद्धार किया है, उसने लहू बहाया है, हम बचाए जा चुके हैं। यदि आज हम अपने दुख में हैं, यदि आज हम पाप में गिरे हुए हैं, तो हमारी दुर्बलता उस प्रभु ने अपने ऊपर ले ली है। उस प्रभु को धन्यवाद दें, उसके पास लौटें कि उसने जो हमारे लिए किया वो हमारे जीवन में लागू हो। यदि आज हम कष्ट में घिरे रहते हैं, तो हम महसूस करें कि प्रभु ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया है। मेरे भाई, मेरी बहन, उसने कीमत अदा की है, उसकी कीमत के लिए हम उसे धन्यवाद दें। हमारे शरीर पर किसी और का नहीं बल्कि उस प्रभु का अधिकार है, क्योंकि वचन कहता है उसने अपने लहू की कीमत पर हमें खरीदा है। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई उसकी दुहाई देगा, यदि उसे कोई पुकारेगा तो वो उसकी सुनेगा।
हमने गीत गाया, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, लेकिन तेरे जैसा मुझे कोई नहीं मिला। यीशु के जैसा कोई नहीं है, उसके समान इस संसार में कोई हमें शांति नहीं, कोई हमें प्रेम नहीं कर सकता जैसे उसने हमसे प्रेम किया। संसार का प्रेम क्षण भर का है, कुछ ही पल और मिनट का है, लेकिन प्रभु का प्रेम अनंत प्रेम है। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया, देख मेरे भाई, मेरे बेटे और मेरे बेटी, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ। वो आज भी अपनी दोनों बाहें फैलाकर हमारा इंतज़ार करता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास लौटे। वो आज भी इंतज़ार करता है, वो स्वर्ग से दृष्टि दौड़ाकर ये देखता है कि कौन उसकी खोज में है, कौन उसके सिंहासन के सामने आता है, कौन उसकी वेदी के सामने आता है। वो तरसता है मेरे भाई आपके और मेरे लिए, वो हमसे इतना प्यार करता है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जब ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, यदि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया तो ऐसी कौन सी चीज है जो वो हमें नहीं देगा। हम उन वस्तुओं के पीछे भागते हैं, उन चीजों के पीछे भागते हैं जिन्हें प्रभु हमें बड़े सहज ही तरीके से देना चाहता है और उसने दे दिया है। वो कहता है तुम सबसे पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, बाकी तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। आइए इस समय हम अपनी दोनों आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु जो कीमत तूने मेरे लिए चुकाई है, जो अदा तूने मेरे लिए की है, प्रभु अपने लहू की कीमत देकर मुझे खरीदा, मुझे बढ़ाया, बचाया, जो दंड, जो पाप का दंड, जो दुख मुझे मिलना था प्रभु, वो तूने बड़ी नम्रता से मैं अपने ऊपर ले लिया। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु तेरे बलिदान के लिए। तू आज मेरे भाई, प्रभु आज आपके लिए अपनी दोनों बाहें फैलाकर क्रूस पर से यही कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम जो संसार में खो गए हो, देख मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। मेरे क्रूस की ओर देख, मैं अपनी दोनों बाहें फैला कर तेरा इंतजार करता हूँ, तुझे बुलाता हूँ, मेरे बेटे, मेरे बेटी, लौट आ मेरे पास, इस संसार की बातों से मुड़कर मेरे पास लौट आ। मैंने तेरे लिए अपनी जान दी, मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया, मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, मैं तेरे खातिर अपमानित किया गया। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु तेरे और मेरे खातिर अपमानित, निंदित और तिरस्कृत किया गया। प्रभु को धन्यवाद दे, कहे प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, तुम मुझसे कितना प्यार करता है। मेरे भाई, भले ही हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार हमसे प्यार करें ना करें, लेकिन मेरा प्रभु आपसे प्यार करता है। और उसके प्यार का प्रमाण मेरे भाई ये है कि उसने अपनी जान दी, लहू बहाया, क्रूस पर लटका दिया गया, उसने प्यार दिखाया, उसने कीमत अदा की। वो आज अपनी दोनों बाहें फिराकर मेरे बेटे और बेटी कहता है, लौट आओ मेरे पास आ जाओ। प्रभु तुझे धन्यवाद इस बात के लिए। प्रभु आज अपनी परम पवित्र मूल्यवान रक्त के द्वारा जो आपने हमारे लिए बहाया, परम पवित्र क्रूस की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा प्रभु उन लोगों को अपनी ओर खींच ला, जो आज प्रभु, जो बेटे और बेटियां तेरे तुझसे दूर हैं, तुझसे भटक गए हैं, तुझसे दूर चले गए हैं, प्रभु उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर, क्योंकि तूने कहा कि जब मैं इस पृथ्वी पर से उठाया जाऊंगा तो मैं मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। प्रभु तू क्रूस से उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर जो तुझसे भटके हुए हैं, जो तुझ में विश्वास नहीं करते, जो तेरे बलिदान को तुच्छ समझते हैं, जो तुझसे दूर है, पाप की दलदल में है। प्रभु दया कर, तरस खा प्रभु अपने लोगों पर, जो बीमार हैं,
कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे घावों के द्वारा हम भले चंगे हो चुके। मेरे भाई, यदि आज आप बीमारी में हैं, किसी भी तमार की बीमारी से पीड़ित हैं, आज आप प्रभु के परम पवित्र घावों के द्वारा भले चंगे हो चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद दे, कहें प्रभु धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मुझे छूने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे देता हूँ और प्रभु आपसे दुआ करता हूँ, मुझे कृपा और शक्ति दे ताकि मैं तुझ में हमेशा जुड़ा रहूँ, तुझ में बना रहूँ। प्रभु, तेरी कृपा मुझ में बहती रहे। स्वर्गीय पिता, आपका वचन कहता है जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है, विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु, हम विश्वास करते हैं, इस समय हमने जो स्तुति और आराधना की है, जो प्रार्थना की है, जो वचन सुना है, प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं। अब्बा, सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।